अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमारा व्लॉग बहुत अच्छा होने जा रहा है। सबसे पहले तो मोटर लेके हमारे पीछे लगे। अच्छा तो गाइस, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें यार। आज हम बड़ी मेहनत करने जा रहे हैं और अच्छी व्लॉगिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी जगह दिखाएँ। तो चलते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हम आ गए हैं चावलों के बाग में, फिर आगे जाएंगे केरी के बाग में, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन केरी के दो तीन किस्म के बाग हैं, एक तो लाल बादशाह है जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। बस पहले तो आ गए हम जंतर में ना, तो ये गाय भी खाती हैं, बकरियाँ भी खाती हैं, और मतलब भैंस वगैरह वगैरह जो भी, इनसे ज़्यादा दूध भी तो निकलता है। भैंस को अगर डालेंगे वो खाएगी तो दूध ज़्यादा निकलता है, और गाय को भी डालते हैं हम अक्सर करके, लेकिन खाली है, हमने अपनी गाय और भैंसों के लिए इसको जो है रखा हुआ है। बाकी जो है काट के देंगे, आगे से हमने काट दिया है, इस तरफ वाला रखा हुआ है, क्योंकि वो गाय और बकरियां रोज़ाना खाती है। बकरियों में भी जाएंगे, जो हमारी बकरियां हैं उधर भी जाएंगे। मतलब आगे जो है वो गन्ना लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने जंतर लगाई हुई है, क्योंकि ये हमारा अपना जो गाय भैंसे हैं वो खाते हैं। तो आगे चलते हैं बकरियों में, बकरियाँ भी दिखाएँगे। बहुत बड़ी यहाँ तक लग रही है, देख सकते हैं। तो भाई ये दुम्बे देख सकते हैं, और आगे बकरियाँ भी हैं हमारी। ये दुम्बे सारे सारे नर हैं, नर भाई जो है इनको चराता है, और ये जंतर खा रहे हैं, देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दूध इससे ज़्यादा निकलता है, बकरियों से भी ज़्यादा निकलता है ये खाने से, और गाय चाहे भैंस हो कोई भी जो है जानवर इसको खाते हैं तो मतलब बड़े वो मोटे भी रहते हैं, और गोश्त उसका बड़ा मज़ेदार होता है। ये सारी बकरियां हैं हमारी, देख सकते हैं अभी दूध इसके अंदर कितना है, इसके अंदर दूध बहुत सारा है, इसमें भी है सारे, और पीछे जो नज़र आ रहा है ये गन्ने, गन्ने का जिसका जूस बनाते हैं हम, खाते भी हैं तो अक्सर करके, यहाँ पे हमारी बकरियां हैं। तो चलते हैं आगे कैरी के बाग में, वो भी आपको दिखाएंगे। कैरी के हर किस्म के होते हैं बाग, मतलब एक मैंगो है, लंगड़ा है, और सिंदड़ी है, देसी है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये बकरियां हैं, दुम्बे भी हैं यहाँ पे। दूध भी इनसे निकाल के ताज़ी चाय बनाते हैं, लेकिन हमारा दूध भी 1 किलो बकरियों का आता है रोज़ाना यहाँ से। ओ भी बस हम आ गए हैं कैरी के बाग में, और जो है वो कैरी, ये जो है ना, ये है लाल बादशाह, ठीक है। लाल बादशाह एक ऐसा आम है कि सबसे लास्ट में तैयार होता है, मतलब सिंदड़ी भी ख़त्म हो जाता है, उनकी मौसम ख़त्म हो जाती है, और देसी भी, लंगड़ा भी, लेकिन लास्ट में ये तैयार होता है, क्योंकि ये इतना मीठा होता है आप जब खाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में खाते नहीं हैं, इसको आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं। पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें हम खुद कहाँ खाते हैं, हम खुद कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए इसका कलर जो है ना वो होता है रेड, और ये इतना अभी से मतलब कच्चा भी है लेकिन ये मीठा ज़रूर है। तो ये है अपने लाल बादशाह। आप जब कभी भी जाएं तो मार्केट में पूछना कि लाल बादशाह आम जो है उनका रेट भी सबसे ज़्यादा होता है, देख सकते हैं। ये सारा है, ये मतलब पूरा कैरी का बाग है। इसका नाम है लंगड़ा, और अब हम आगे जाएंगे, देसी भी दिखाएंगे आपको, और जो है क्या कहते हैं, ये है सिंदड़ी, क्योंकि सिंदड़ी तो बहुत ही बड़ा आम होता है। सिंदड़ी के बाग में तो ये पूरा ही बाग है इस तरह। यहाँ पे ये भाई भी काम करते हैं बेचारे, चौकीदार इनके होते हैं अलग से। और ये है देसी आम, ठीक है, ये देसी आम है। देसी जो है वो छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता आम, ठीक है ना। ये पूरा देसी का बाग बना हुआ है। इसमें तैयार होते हैं फारवे, ये है फारवे का पौधा, जिसको हम बोलते हैं
हमारे मेरे ख्याल से अभी इसको शाख बोलते हैं। शाख मतलब पक गया है, आधा पका हुआ है, कुछ दिनों में 8-10 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो ये पूरा है बाग जो है वो देसी रोड के इस तरफ जो है, मेरे इस तरफ जो ये बाग नज़र आ रहा है ये है सिंदड़िया। तो आगे चलते हैं, आगे के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। यार मैं रास्ते में जा रहा था, मैं अकेला था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दोस्त की तरह मेरे साथ इसको भी भेज दिए। ये देख रहे हैं आप, मेरे साथ साथ जा रहा है। अगेन आगे जाएंगे, ये भी हमारे साथ है। अब पीछे गाड़ी तो आ रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं यार ये साथी हमारा थोड़ी देर तक हमारा साथ चल रहा है, तो इसको साथ ले जाते हैं। हाँ तो मैं आ गया हूँ, छोटा सा स्टॉप है, वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए भी लेंगे, क्योंकि हमसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ना थोड़ा दूर है। लेकिन दो बंदे धोखा करके भाग गए थे, उठ बैठे हुए हैं कुछ खाने के लिए ना, तो मैं भी रेड कर लेता हूँ उनपे। हाँ शर्म आयो तो, जो वो बंदा है इसको आज बच्चा भी माशाल्लाह बैठा हुआ है, मिठाई की उम्मीद करता हूँ। भाई बिलाल मिठाई जाओ। अरे माव खाया हुआ है जाल दे तो। हाँ माव खाया हुआ है। चलो तो फिर कुछ ले लेते हैं खाने पीने के लिए, अंडे वगैरह वगैरह जो भी लेना है। लेकिन आज का व्लॉग हमें बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। यार वीडियो को लाइक कर देना, आगे तरफ भी दिखाएंगे, बहुत अच्छा है, खूबसूरत बना हुआ है। तो गाइस ये देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत पौधा है यार। और इसमें ये फूल है, बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, ये घरों में होने चाहिए। पौधा भी बहुत बड़ा, मतलब इसका छांव जो है वो बड़ा प्यारा है, इसके नीचे चारपाई रख के बंदा बैठ सकता है। लेकिन हम लोग